इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हज़रात गिरामी, मौजूदा हालात में जो कोरोना वायरस की वबा फैलती जा रही है, अमराज में, मरीजों में, अमवात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, इस सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत कर्नाटक की तरफ से ईद उल अज़हा की अदायगी के सिलसिले में जो हिदायत दी गई हैं, जो गाइडलाइंस दी गई है, उन हिदायत का लिहाज करना मुआशरती एतबार से और अपनी एहतियाती तदबीर के पेश नज़र उसको इख्तियार करना आज के हालात का तकाजा है। उसमें ईदगाहों में नमाज की अदायगी पर पाबंदी हुकूमत की तरफ से लगाई गई है, मसाजिद में भी 50 अफराद की नमाज को अदा करने की एक वक्त में इजाज़त दी गई है और सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा जाना चाहिए और इसी तरह से सैनिटाइज का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग अफराद हैं वो मस्जिद में आने से एहतियात करें, छोटे बच्चों को उसमें न लाया जाए। इस तरह की जो एहतियाती तदाबीर और हिदायत हमें दी गई हैं, उन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए हमें ईद उल अज़हा के इस त्यौहार को खैर व खूबी के साथ मनाने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि जो हिदायत दी गई है नमाज ईद के सिलसिले में, उन हिदायत का हम पास व लिहाज करके हर तरह से अमन और शांति और पुरसकून माहौल में ईद उल अज़हा की अदायगी का हम एहतमाम करेंगे। ईदगाह की नमाज की ईद की नमाज के सिलसिले में हुकूमत की तरफ से जो हिदायत दी गई है उसमें ईदगाह में नमाज ईद की अदायगी पर पाबंदी लगाई गई है, नहीं होगी इसमें, इसलिए कि हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में ये हिदायत दी गई है और वो कोरोना वायरस के फैलती हुए वबा के फैलते हुए असरात को देखते हुए यह हिदायत दी गई है। इसलिए अज़रा एहतियात हमें जो नमाजों की अदायगी के सिलसिले में जो मस्जिदों के अंदर नमाज को अदा करने की हिदायत दी गई है, हम इसका इंशाअल्लाह एहतमाम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ब्रदरान इस्लाम, आज अंजुमन में सदर अंजुमन आली जनाब राजू सेठ साहब के ज़ेर सदारत उलमाए कराम की मजलिस बुलाई गई, अमायदीन शहर की मजलिस बुलाई गई है, जिसमें कोरोना वायरस के ये माहौल में ये जो वबा फैली हुई है इसके हालात में बिलखसूस ईद उल अज़हा के मौके पर गवर्नमेंट के, हुकूमत के क्या क्या कवानीन आए हैं, क्या क्या गाइडलाइंस आए हैं कि उसके मुतालिक आवाम को रोशनास कराने के लिए, इत्तला देने के लिए मीटिंग बुलाई गई है और यहाँ पर सब जमा हैं। तो आपके लिए अर्ज़ है कि गवर्नमेंट की तरफ से ईदगाह में तो नमाज की पाबंदी है, अलबत्ता अपने महल्ले के मसाजिद में नमाज अदा होगी, मगर वो सारे इंतज़ाम और एहतियाती तदाबीर के साथ कि 6 फीट का फासला रखेंगे एक मुसल्ली दूसरे मुसल्ली के दरमियान में मास्क के साथ, और अपने घरों से जाए नमाज वगैरह ले आएंगे साथ में, और बैक वक्त 50 आदमी मस्जिद में नमाज अदा करेंगे बाजमात। अगर लोगों की कसरत होती है तो 1 से 2 जमात 2 से 3 जमात हो सकती हैं, मगर बैक वक्त जो है इज्तिमा लगा करके ये सारे एहतियाती तदाबीर को बालाए ताक रख करके ख़ुद के लिए और दूसरों के लिए भी मुसीबत पैदा ना करें। ये तमाम हिदायत लेटर की सूरत में भी अंजुमन की तरफ से मसाजिद में ऐलान के तौर पे भेजा जा रहा है, लिहाजा तमामी हजरात खुद का ख्याल करते हुए और अपने अहलो आयाल का ख्याल करते हुए, दोस्त अहबाब का और दूसरों का ख्याल करते हुए इन तमाम पाबंदियों के साथ नमाज ईद उल अज़हा अदा करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। आज बरोज़ पीर अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम और शहर के उलमाए कराम की एक मीटिंग मुनक़द की गई, जिसमें हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर ईदगाहों में इज्तमाई नमाज पर पाबंदी, लोग सिर्फ मस्जिद में सरकारी हिदायत के मुताबिक नमाज ईद अदा करें। महकमा अकलियती बहबूदी हुकूमत कर्नाटक। कोरोना वायरस के पेश नज़र
हुकूमत कर्नाटक ने सभी मजाहिब के इज्तमाई इबादतों पर रोक लगा दी है। इस तरह इन साल बकरीद ईद उल अज़हा के मौके पर भी महकमा अकलियती बहबूद हुकूमत कर्नाटक ने भी चंद ज़रूरी हिदायत की रोशनी में मसाजिद में नमाज ईद अदा करने की छूट दी है, मगर ईदगाहों में इज्तमाई नमाज ईद पर रोक लगा दी गई है। हुकूमत कर्नाटक की जानिब से जारी करदा सर्कुलर मोरिका 24/7/2020 मुताबिक बकरीद ईद उल अज़हा के मौके पर मसाजिद में सिर्फ 50 लोग ही बेक वक्त नमाज अदा करेंगे। अगर लोग ज़्यादा हों तो एक से ज़्यादा जमातें बनाई जाएगी। नमाज ईद को आने वाले मुसल्ली अपने साथ अपना जाय नमाज साथ लाएं। मस्जिद में आने वाले अफराद की मस्जिद के इंतज़ामिया की तरफ से टेम्परेचर चेकअप की जाए, नए सैनिटाइज़र का भी इंतज़ाम हो। नमाजियों के दरमियान कम अज़ा कम 6 फीट का फासला समाजी दूरी रखी जाए ताकि बीमारी फैलने का खदशा ना हो। नमाज ईद के बाद लोग मौन का मुसाफा करने से परहेज़ करें। 60 साल से ज़ायद उम्र के बुज़ुर्ग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे अपने घरों पर ही नमाज अदा करें। किसी भी खुली जगह में या घरों में छत पर या फिर किसी शादी हॉल में नमाज अदा करने पर पाबंदी रहेगी। मसाजिद में नमाज को आने वाले अफराद मास्क पहनकर आएं, बगैर मास्क पहने लोगों को मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी रहेगी। महकमा अकलियती बहबूद हुकूमत कर्नाटक की जानिब से सर्कुलर जारी करते हुए तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों को सख्ती के साथ तमाम ऊपर बताए गए सरकारी हिदायत पर अमल करने की ताकीद की गई है। इसके मुताबिक तमाम लोग इस पर अमल पैरा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अंजुमन इस्लाम में उलमाओं के साथ एक मीटिंग हुई जिस पर हुकूमत कर्नाटक जो गाइडलाइंस दी है बकरीद की नमाज़ के बारे में, उस पर डिस्कशन हुआ और सभी का यही फैसला था कि जो भी गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस पे हम चलें। जैसे कि ईदगाह में नमाज नहीं होगी, इज्तिमाई नमाज ईदगाह में नहीं होगी, मस्जिदों में एक जमात 50 लोग की रहेगी, जहाँ पे 6 फुट का डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा। साथ ही साथ मस्जिदों में सैनिटाइज़र और मास्क की ज़रूरी है। अपने अपने सभी अपने घर से वज़ू करके आए। सरकार के गाइडलाइंस तो हमें मानना है, साथ ही साथ हमारे और हमारे घर के लोगों की हिफाज़त करना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स आते हैं, जो भी गाइडलाइंस आते हैं, उसमें भी यही है कि डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, हमेशा सैनिटाइज़ करते हुए रहिए। ऊपर वाले से ही हम सब दुआ करेंगे कि सब पूरे ज़िले के लोग हिफाजत से रहें, महफूज रहें और अपनी अपनी ईद की नमाज बहुत हिफाजत से हम अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शनिचर 1 तारीख को, 1 अगस्त को ईद की हिलाल कमेटी से ईद की नमाज के बारे में ईद होगी।